दोस्तों आज तारीख है 19 मई। आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में आज भारत में जो हुआ है उसे देशवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। आखिर क्या हुआ है ऐसा दिखाएंगे आपको। इसके अलावा चीन ने एक बड़ा दावा किया है कि कोरोना वायरस को बिना वैक्सीन के भी खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा बंगाल समेत 8 राज्यों में तबाही मचा सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान। कहीं इसमें आपका राज्य तो नहीं, विस्तार से इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कार या बाइक है तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। इसके अलावा अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल सफल हो गया है। जानिए कब तक आ सकता है वैक्सीन। इन खबरों के अलावा भी ऐसी कई बड़ी खबरें हैं जिन्हें हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो आइए बिना देर किए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज भारत में जो हुआ है उसे देशवासी कभी नहीं भुला पाएंगे। जी हाँ, हेडलाइन सुनकर आप चौंक गए होंगे लेकिन हकीकत कुछ ऐसी ही है। दरअसल भारत में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। आज तो कोरोना ने कहर ही ढा दिया क्योंकि आज देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,01,139 हो गई है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या चीन से भी ज्यादा हो गई है, जिनमें अब तक 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,970 नए मरीज मिले हैं और 134 लोगों की जान चली गई है। वहीं राहत की बात यह है कि 39,174 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट भी सुधर कर 38.73% पर पहुंच गया है। आइए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। चीन की लैब का बड़ा दावा, बिना वैक्सीन के भी खत्म हो सकता है कोरोना। चीन से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, लेकिन अब तक इसकी ना तो कोई वैक्सीन सामने आई है और ना ही कोई इलाज। मगर इसी बीच चीन के वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने एक ऐसी दवा बनाई है जिससे कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी के बीजिंग एडवांस इनोवेशन सेंटर फॉर जियोनॉमिक्स के निदेशक शनि सिंह ने कहा है कि इस दवा का जानवरों पर परीक्षण सफल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने एक संक्रमित चूहे के अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इंजेक्ट किया तो 5 दिन बाद वायरल लोड 2,500 कारक कम हो गए। इसका मतलब साफ है कि संभावित दवा का चिकित्सकीय प्रभाव हुआ है। वैसे आपको बता दें कि चीन से पूरी दुनिया में फैली इस बीमारी को लेकर चीन पर भी काफी सवाल उठते रहे हैं। किसी का कहना है कि कोरोना चीन की चाल थी तो कोई इसे चीन के जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। ऐसे में जब चीन खुद आगे आकर बिना वैक्सीन के इस वायरस के इलाज की बात कर रहा है तो इसे हल्के में कतई नहीं लिया जाना चाहिए। देखते हैं चीन आगे आगे क्या क्या करता है। तीसरी बड़ी खबर, बंगाल समेत 8 राज्यों में तबाही मचा सकता है भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान। साल 2020 को तबाही वाला साल कहें तो गलत नहीं होगा। एक के बाद एक समस्याएं आती ही जा रही है। अब देश के कई राज्यों पर एक और आफत आ गई है जिसका नाम है भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान। बंगाल की खाड़ी से उठा यह तूफान धीरे धीरे अत्यंत भीषण तूफान में बदलता जा रहा है। 20 मई को यह तूफान पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हतिया द्वीप के बीच में टकरा सकता है। उस वक्त इसकी हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। साइक्लोन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी एक्टिव हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने पूर्वी तटों के राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी से लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और आसपास के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ओडिशा के तटीय जिले हाई अलर्ट पर है। 20 मई को यह पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। तब इसकी हवा की रफ्तार करीब 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तूफान की ऐसी तीव्रता के कारण भारी नुकसान होने की संभावना है। चलिए जानते हैं चौथी बड़ी खबर। अगर आपके पास कार या बाइक है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। 18 मई से देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। अब केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन वाहनों के इस्तेमाल पर लागू कई प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो अब निजी यात्री वाहनों के साथ साथ बसों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने की अनुमति देते हैं। खास बात यह है कि यह महत्वपूर्ण छूट तीनों जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में मान्य होंगे।
हालांकि ये नियम देश में कहीं भी कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर लागू नहीं होंगे। तीनों जोन में ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बसों को चलाने की अनुमति दी गई है। सभी जोन में ऑटो और टैक्सी में सिर्फ एक यात्री को ही यात्रा की अनुमति है, जबकि निजी वाहन में चालक के अलावा दो यात्री जा सकते हैं। रेड जोन में दोपहिया वाहनों पर चालक के पीछे दूसरी सवारी को बैठने की अनुमति नहीं है। पांचवी बड़ी खबर, यूपी ने खोल दिया बॉर्डर। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से आने जाने वाले लोग इस खबर को जरूर देखें। लॉकडाउन 4 में राजधानी दिल्ली और NCR के लोगों को कुछ राहत का ऐलान किया गया है। इस गाइडलाइन में यूपी सरकार ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर को खोल दिया है, यानी अब दिल्ली से लोग गाजियाबाद और नोएडा आ जा सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों को छोड़कर अन्य लोगों को ही आवाजाही की छूट होगी। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में ऐसे हजारों लोग हैं जो कामकाज के चलते हर रोज आवाजाही करते हैं, उनके लिए खबर बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो ये थी आज के दिन भर की सभी बड़ी खबरें। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।